बहती हवा सी थी वो, उड़ती पतंग सी थी वो, कहाँ गई उसे ढूंढो। हमको थी वो सुबह उठाती, पंखे का स्विच बंद कराकर जबरदस्ती गर्मी में उठाती थी वो। हमको धूल की फिक्र सताती, वो बस सबको चूतिया बनाकर हल्के से टीवी पे कपड़ा घुमा देती वो। कहाँ से आई थी वो, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी वो, कहाँ गई उसे ढूंढो। उसने तुम्हें फोन किया था क्या? नहीं, लेटर देके गई है। लेटर दिखाओ। मेरी प्यारी मेम साहब, बड़े साहब और छोटे साहब, ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं अब से काम पे नहीं आएगी। अपना अपना देख लो और मेरा हिसाब निपटा दो। पीछे नेट बैंकिंग की डिटेल्स लिखी हैं। मेरे मर्द के कपड़े इस्त्री करने का धंधा भी बंद हो गया है। आई लव यू मेम साहब, आपके साथ वो फर्स्ट फ्लोर वाली का मजाक उड़ाने में मजा आता था, लेकिन अब मैं किसके साथ मजा उड़ाएगी। मेरी जब भी याद आए आंख बंद करके कांता बेन चिल्लाना, मैं आ जाएगी। कांता बेन, मैं आ गई मेम साहब, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी, झाड़ू थोड़ी छोटी रह गई। तुम क्यों जा रही हो? मेम साहब, आप जो मुझे सैलरी देते हो उसमें मेरा घर थोड़ी चलता है। तुम बाकी घरों में भी जाके काम करती हो, वहाँ भी तो पैसे मिलते होंगे। इतनी थोड़ी मिलती है कि अपनी जरूरत पूरी कर पाऊँ। मेरे तीन बच्चे, तीनों ट्विन, उनके स्कूल जाने का खर्चा, उनकी पॉकेट मनी, क्या क्या देखना पड़ता है साहब। और मेरे बड़े वाले बेटे को तो एप्पल का आईफोन मांगता है, कहाँ से लाके देगी? पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी, झाड़ू थोड़ी छोटी रह गई। शांत हो जाओ। हेलो। हाँ मेम साहब, मैं आती है, पर आज मैं झाड़ू नहीं मारेगी। वो तुम्हारे घर का झाड़ू बहुत छोटा रहता है, मैं पलंग साफ करती है तो नीचे से पूरा साफ ही नहीं होता, फिर तुम किट किट करती है। पहले लंबी वाली लेके आओ, फिर ही मारेगी। हाँ आती। कमीनी। देखो कांता बहन, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना मुश्किल है। ऐसा कैसा करते हो साहब? मेम साहब कुछ बोलो ना, थोड़ी सी बढ़ा दो ना। अरे और कितनी बढ़ाए यार, 5,000 महीने का बहुत होता है। 10 कर दो ना साहब। 10,000? पापा मुझे रख लो, 8 दे देना। ए तो चुप कर, 40,000 की मेरी नौकरी है, उसमें से 10 मैं तुम्हें दे दूँ? ऐसा कैसे करते हो साहब? याद नहीं उस दिन मेम साहब जब बाहर गई थी और आप नहा रहे थे तो बाथरूम में आके मैंने आपको पैंटी दी थी? क्या दी थी? तुम औरतों से चटिया लेते हो। मैंने कपड़ी चट्टी? हाय रे दादा, मैंने अपने हाथों से आपको पैंटी दिया था बालों पे लगाने को। दरिंदा है ये आदमी। अच्छा पैंटीन, मम्मी पैंटीन का शैम्पू नहीं आता, वो बाहर रखा हुआ है। हाँ वो दिया था। हाँ वही तो बोली, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी, झाड़ू थोड़ी छोटी रहेगी। छोटे बाबा तुम कुछ समझाओ ना। आंटी मैं क्या बोलूं? ऐसा कैसा करते छोटे बाबा, मैं तुम्हारे लिए कितना तकलीफ उठाई, जब हर सुबह झाड़ू लगाने को तुम्हारे कमरे में आती थी तो झाड़ू जमीन पे चिपक जाती थी। मैं कुछ बोली? वो तो दही गिर जाता था। जा रहे जा, 3 बच्चे हो गए मेरे, कहाँ क्या चिपकता सब जानती मैं। क्या पापा थोड़े से बढ़ा दो, थोड़े से बढ़ा दो। अरे ऐसे कैसे बढ़ा दूं यार? ऐसा कैसा करते हो साहब, उस दिन जब मुझे चक्कर आ रहा था तो आप ही ने मुझे संभाला था ना, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, वो भी अपने हाथों से। पराई औरतों को चाय पिलाते हो, अपनी सगी बीवी को पानी तक नहीं पूछते। वो गिर जाती तो उसको चोट लग जाती, और तुम, मैं पैसे नहीं बढ़ा रहा तुम्हारे। वाह वाह साहब, मैं आपका इतना चड्डी उतारा, इतना कपड़े उतारा, सब भूल गई। अरे छत पे सूख रही चड्डियों की बात कर रही है वो यार, वो गीली टंगी हुई चड्डियों की बात कर, तुम क्यों मेरे घर पे क्लेश कर रही हो? ए छोटे बाबा समझाओ ना। सॉरी आंटी, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा कैसा करते हो छोटे बाबा, उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे के दरवाजे से। पैसे दे दो ना पापा, क्यों कर रहे हो, दे दो पैसे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, 6,000 देंगे बस। 6,000 में मेरा स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर,
ठीक है काम चला लेगी, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी। झाड़ी थोड़ी छोटी रह गई। आप स्पा जाते हो? अब से जाएगी अच्छे वाले में। पहले जब मेरा मर्द कपड़े इस्त्री करता था तो उसके कोयले के फट्टे के नीचे में लेट जाती थी तो कैसा गर्म लगता था। आप भी कभी आना साहब, साथ में लेटेंगे। अब थोड़ी ना इस्त्री करता है वो। धत तेरे की भूल गई, झाड़ी थोड़ी छोटी रह गई। इस्त्री करता तो इसके साथ लेट जाते। तुम जाओ कांता बहन, तुम जाओ। थैंक यू साहब, थैंक यू मैम साहब। अब कल से मैं रोज काम पे आएगी, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी। झाड़ू थोड़ी छोटी रह गई। आजकल की काम वालियों के भी कितने नखरे हो गए हैं बेटा। चाय पिएगा तू? तुम चाय पियोगी? मुझे ऑफिस भी जाना है। उसके साथ लेटोगे? सोच रहा हूँ आज लेट जाऊं। दरिंदा! अरे ऑफिस लेट जाने की बात कर रहा हूँ यार, तू कैसी बातें कर रही है? दरिंदा, दरिंदा, दरिंदा! हाँ हाँ मैं दरिंदा हूँ, तुम तो जैसे अप्सरा हो। हाँ अप्सरा हूँ, अप्सरा। कैसी बातें करती है? सुबह सुबह मूड का ऑफ कर दिया। अरे